सानिया मिर्जा की टेनिस कोर्ट पर वापसी हो चुकी है और उन्हें अगले महीने से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेते ही सानिया मिर्जा इतिहास रच डालेगी। भारत की ओर से वो पहली ऐसी महिला होंगी जिन्होंने 4 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया हो। 34 वर्षीय सानिया ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है कि वो कब तक खेलना जारी रखेगी। सानिया ने कहा कि मेरा बहुत ही शानदार करियर रहा है, ये बस अपने आप में विश्वास करने और अपनी क्षमताओं में विश्वास करने की बात है। मैं अभी 30s में हूँ और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मैं कब तक खेलूँगी, ये बस हर दिन की बात है। मैं इसे लेकर फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। अपने पहले बच्चे इजहान को 2018 में जन्म देने के बाद सानिया ने पिछले साल जनवरी में जीत के साथ वापसी की थी, जब उन्होंने होबार्ट इंटरनेशनल WTA टूर्नामेंट जीता था। उनके लिए आने वाला समय काफी व्यस्त रहेगा क्योंकि उन्हें विंबलडन और ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है। सानिया ने कहा कि मुझे कोर्ट पर काफी काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मैदान के बाहर भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं कोर्ट पर शार्प और ताकतवर रहने के लिए काफी मूवमेंट्स और गतिविधियों पर काम कर रही हूँ। भारतीय खिलाड़ी अपने ग्रास कोर्ट सीजन की शुरुआत इस सप्ताह ईस्टबॉर्न में WTA इवेंट से करेगी और उन्हें अपने रिकॉर्ड 4th ओलंपिक्स का इंतजार है। सानिया ने 2018 में पिछले रियो ओलंपिक्स में मिक्स्ड डबल्स इवेंट में रोहन बोपन्ना के साथ 4th स्थान हासिल किया था। सानिया ने कहा, ये मेरे जीवन का सबसे निराशाजनक पल था कि मैं मेडल के इतने पास आकर भी इसे जीत नहीं पाई। उन्होंने कहा, मुझे अब ओलंपिक्स में देश की तरफ से उतरने का इंतजार है। मुझे भारत की तरफ से खेलना बहुत पसंद है, चाहे मैं जहां भी खेलूं, लेकिन ओलंपिक्स में देश के लिए खेलना मेरे लिए क्या सभी एथलीटों के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे बताया गया है कि मैं जब ओलंपिक्स में उतरूंगी तो मैं किसी महिला द्वारा किसी और के साथ टीम बनाकर सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन जाऊँगी। मैं ओलंपिक में उतरने के लिए आभारी हूँ और मुझे अगले ओलंपिक में उतरने का इंतज़ार है। सानिया ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुनीता राव के साथ, 2012 लंदन में रश्मि चक्रवर्ती के साथ और 2016 में रियो में प्रार्थना थोम्बरे के साथ जोड़ी बनाई थी। वो टोक्यो में अंकिता रैना के साथ उतरेंगी, जो वर्ल्ड डबल रैंकिंग में 95 स्थान के साथ भारत के शीर्ष रैंकिंग की युगल खिलाड़ी है। अंकिता के लिए सानिया ने कहा कि अंकिता कड़ी मेहनत करने वाली ईमानदार लड़की है। उन्होंने बिली जीन किंग कप से पहले मेरे साथ कुछ समय गुजारा था। सानिया ने भारतीय महिला टीम को पहली बार बिली जीन किंग कप के प्ले ऑफ में पहुंचने में भी मदद की थी।